ज्वालामुखी का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में खौफ के साथ साथ लावा, राख और ढेर सारे धुएं का ख्याल आने लगता है। ऐसे में कई लोग सोचते होंगे कि आखिर इन ज्वालामुखियों की मौजूदगी धरती पर क्यों है, यानी अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी ना हो तो भी इंसान का काम तो चलता रहेगा। अगर आप भी धरती पर मौजूद ज्वालामुखियों को सिर्फ तबाही फैलाने वाला एक दानव मानते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि आज हम ज्वालामुखी की मौजूदगी को लेकर कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या होगा अगर धरती पर एक भी ज्वालामुखी मौजूद ना हो। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। धरती और ज्वालामुखी। पूरे सौर मंडल में अब तक सिर्फ हमारी धरती पर ही जीवन पनप रहा है, जहाँ पशु, पक्षी, पेड़, पौधे और इंसान रहते हैं। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद जीवन के पनपने की अनुकूल परिस्थितियाँ वैज्ञानिकों को हमेशा से ही हैरान करती रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर जीवन की मौजूदगी के लिए ज्वालामुखी भी जिम्मेदार है? धरती के जिस जमीनी हिस्से में आज हम निवास करते हैं उसका निर्माण भी ज्वालामुखी के फटने की वजह से ही हुआ है, और पानी के विभिन्न स्रोत भी ज्वालामुखी के ही देन हैं। ऐसे में ज्वालामुखी की उपयोगिता को जाने बिना उसे एक दानव या राक्षस का नाम देना बेहद गलत है, क्योंकि इस पहाड़ नुमा आकृति की वजह से ही धरती सांस ले रही है। ज्वालामुखी और जीवन। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, क्योंकि उसमें समुद्र और हरियाली सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर पृथ्वी पर ज्वालामुखी नहीं होते तो हमारी धरती आज भी आग के समान जल रही होती। दरअसल ज्वालामुखी धरती पर मौसम चक्र, पानी, जमीन और इंसानी जीवन के लिए सभी संभावनाओं को पैदा करने वाला एक विशाल पहाड़ है, जिसके अंदर बड़ी मात्रा में गर्म मैग्मा होता है। धरती का अंदरूनी हिस्सा या कोर इतना ज्यादा गर्म है कि वहाँ का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। इतना ज्यादा तापमान होने की वजह से पृथ्वी के कोर में सभी खनिज पदार्थ तरल अवस्था में मौजूद हैं, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा जब धरती के कोर में हिलता है तो उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी हिलने लगती हैं, और परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में भूकंप के झटके महसूस होते हैं। धरती के अंदरूनी हिस्से में हुए टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर में भारी प्लेट नीचे झुक जाती है, वहीं हल्की प्लेट सतह से ऊपर उठकर एक पहाड़ का रूप ले लेती है। एक पहाड़ का रूप लेने के बाद धरती के अंदर मौजूद मैग्मा अंदर से उस पर दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का क्रस्ट टूट जाता है और मैग्मा गर्म लावा, गैस और राख के रूप में बाहर निकलने लगता है। मैग्मा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो दूर दूर तक उसकी आवाज और कंपन को महसूस किया जाता है। हालांकि इस विस्फोट की वजह से धरती समय समय पर अपने अंदर मौजूद मैग्मा को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से इंसानों को भूकंप के खतरनाक झटकों का सामना नहीं करना पड़ता। आमतौर पर ज्वालामुखी तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला है सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। इस तरह के ज्वालामुखी समय समय पर फटते रहते हैं और धरती के अंदर मौजूद मैग्मा को बाहर निकालते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी को प्रसुप्त या सुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो कहा जाता है, जिनमें कभी कभी विस्फोट होता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माने जाते हैं। इसके अलावा धरती पर तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी भी होते हैं, जिन्हें मृत ज्वालामुखी यानी डेड वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, और इस तरह के ज्वालामुखी में विस्फोट लगभग समाप्त हो चुका होता है। क्या हो अगर धरती से खत्म हो जाए ज्वालामुखी? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से भी पहले ज्वालामुखी का निर्माण हो चुका था, जिसके विस्फोट से निकले धुएं और राख ने पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल तैयार करने का काम किया। दरअसल ज्वालामुखी के विस्फोट से धरती के कोर में मौजूद विभिन्न गैसें और खनिज बाहर निकले, जो धुएं के रूप में आसमान की तरफ गए और वहां एक मजबूत वायुमंडल का निर्माण करने का काम किया। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण होने के बाद समुद्रों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई,
क्योंकि उससे पहले पानी धरती के अंदरूनी हिस्से यानी क्रस्ट में मौजूद था। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती के अंदर मौजूद पानी वाष्पित होकर गैस की तरह उड़ गया और वायुमंडल में ठंडा माहौल पाकर बारिश की बूंदों के रूप में वापस धरती पर गिरने लगी। इस तरह सालों तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे और उससे निकली वाष्प आसमान से पानी के रूप में बरसने लगी। इस तरह धरती पर समुद्रों और नदियों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर वायुमंडल और समुद्रों का निर्माण तो हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ हरियाली और पेड़ पौधे भी पनपने लगे, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होनी बाकी थी, जिसके लिए ज्वालामुखी के आसपास मौजूद गर्म पानी के स्रोत उपयोगी साबित हुए। उसी गर्म पानी में सबसे पहले बैक्टीरिया रूपी जीवन पनपे, जिन्होंने बाद में छोटे जीवों और फिर इंसानी जीवन की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। आज हम और आप जिस जमीन पर रह रहे हैं वो भी ज्वालामुखी की देन है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब ठंडा होता है तो एक सख्त जमीन का निर्माण करता है। पृथ्वी पर मौजूद पूरी जमीन का लगभग 80% हिस्सा ज्वालामुखी से निकले लावे से ही तैयार हुआ है। इतना ही नहीं, धरती पर मौजूद उपजाऊ मिट्टी भी ज्वालामुखी से ही आती है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के साथ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व बाहर निकलते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ और खेती लायक बनाने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे में अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ज्वालामुखी की मौजूदगी पृथ्वी और यहाँ रहने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और इंसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर पृथ्वी पर अचानक ज्वालामुखी विस्फोट होना बंद हो जाए तो उसका सबसे पहला असर हमें भूकंप के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि धरती के अंदर मौजूद गर्म पदार्थ बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिसकी वजह से तरल हिलेगा और टेक्टोनिक प्लेट्स को भी हिलाएगा। इसकी वजह से धरती पर भयानक भूकंप के झटके महसूस होंगे, जो पल भर में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाली विभिन्न गैसें और खनिज मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करती हैं। लेकिन अगर ज्वालामुखी ही नहीं रहेंगे तो जमीन पर खेती करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा धरती के अंदरूनी हिस्से से गर्म मैग्मा बाहर ना निकलने की स्थिति में क्रस्ट लेयर पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी कई छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाएगी। इस ब्लास्ट के साथ ही धरती पर मौजूद इंसानी जीवन, विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ज्वालामुखी को सिर्फ दानव या राक्षस नाम देना सही नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ हमें जीवन देने का भी काम करता है। इसलिए धरती पर मौजूद हर चीज की कदर करें और साथ ही ज्वालामुखी से सावधानी भी बरतें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।